ये वीडियो में आप एक चीज यू कैन सी टील सीट आप इस वीडियो में देख रहे हैं। देखिए मैं ये जो प्लेट है, खाने का जो थाली है वो ऊपर करके रखा, रिवर्स करके रखा। और देखिए रोटी से देखिए एक चीज़ मैं बना रहा हूँ। इसको देखिए ये तिल है, तिल सीड है, ये इसको तिल कहते हैं, वाइट तिल। ये काला तिल नहीं है, वाइट तिल है। इसको मैंने जो शुगर है, शुगर में देकर जाल देकर मैंने बनाया, बॉयल करके मैंने बनाया। देखिए ये देखिए शुगर का रस है, ये मैंने बॉयल किया। और ये देखिए मेरा जो ऊंट का जो हाथा है, ये ऊंट का हाथा में कुछ लगा है। देखिए इसको कहते हैं तिल का खजा। ये देखिए ये बहुत हार्ड हो जाता है। अभी इसको थोड़ा सा प्लेन करना है, प्लेन करके हम इसको काटेंगे। और आजकल के जमाने में जो वीडियो में, मूवीज़ में, टीवी में देखते हैं, कैडबरीज देखते हैं, बहुत सारा जो कैडबरीज कंपनी है वो कैडबरीज का एडवर्टाइज देते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट है, मिल्की बार देता है, डेयरी मिल्क देता है, उससे हज़ार गुना बहुत अच्छा है ये चीज़। इसमें चीनी है और जो कैडबरीज़ में जो शुगर नहीं ऐड करते, उसके सैकारी नॉट केमिकल से ऐड करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत सारा न्यूट्रिशन इफेक्ट है इसमें। क्योंकि जो तिल इज द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, जो ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में सबका कैल्शियम का कमी होते हैं, लैक्स ऑफ कैल्शियम इन द ओल्ड एज फॉर एवरी पर्सन इन इंडिया। और छोटी उम्र में सबका कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। और दूध में बहुत कैल्शियम होता है, गाय का दूध, काउ मिल्क में बहुत ही कैल्शियम होता है। और क्या होता है ना, काउ मिल शहर में नहीं मिलता। देखिए थोड़ा सा गर्म है। अभी इसको क्या करेंगे, इसको इससे काटेंगे, थोड़ा सा ऐसे काटेंगे। तो हम क्या कर रहे थे, तो काउ मिल्क शहर में नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, पैकेट में जो मिल्क होता है वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस करके बनाता है, तो मिल्क में उतना अच्छा कैल्शियम नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जिस एरिया में आपको मिल्क अच्छा से नहीं मिलता उस एरिया में, तो आपको क्या करना है, फॉर टेकिंग कैल्शियम आपको कैल्शियम का टैबलेट नहीं खाना है। वो केमिकल से, वो बहुत ही केमिकल से आपको डायरेक्ट अगर कैल्शियम पाना है तो ये जो तिल है, तिल आपको खाना पड़ेगा। आप फ्राई करके ऐसे ही खाइए, धोकर आपको क्या करना पड़ेगा, तिल को आपको अच्छा से वाटर में वॉश करके उसको ओपन सन में, आपको ओपन सन में एक्सपोज करके जो बहुत सा ड्राई हो जाएंगे, वो ड्राई तिल को आपको खाना पड़ेगा। हमेशा ब्लैक तिल अच्छा है, लेकिन वो खाने में इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा बीटर टेस्ट है। और जो वाइट तिल है उसका भी टेस्ट बीटर है, लेकिन ये खाने में अच्छा है, और भी खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा आप अगर इसको चीनी के साथ,
आप अगर इसको करें। कैसे चीनी के साथ मैं किया वो बहुत ही सीक्रेट है, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया। और माँ जब जिधर से सीखा वो भी बहुत एक्सपीरियंस थे। माँ मेरी माँ ने मुझे सिखाया और मुझे बहुत ही पसंद है ये खाना, मुझे बहुत ही पसंद है ये खाना। तो अभी हम क्या करेंगे देखिए, ये थोड़ा सा अभी हम क्या करेंगे देखिए, ऐसे हम इसको काटेंगे। देखिए हम इसको ऐसे करके काटेंगे, काट कर रखेंगे। देखिए थोड़ा सा प्रेस करके कैसे हम काट देते हैं, देखिए ऐसे करके। देखिए इसके अंदर इतना न्यूट्रिशन वैल्यू है, इतना न्यूट्रिशन वैल्यू है, आपको यू कैंट इमेजिन। इसमें इतना अच्छा न्यूट्रिशन है। हम तो मार्शल आर्ट करते हैं, जिम फिम वगैरह करते हैं, आपने मेरे चैनल में देखा है, मैंने सब कुछ अपलोड करके रखा है। तो मुझे बहुत सारा क्या चाहिए, मुझे बहुत सारा कैल्शियम चाहिए, क्योंकि हार जो जो मेरा हार है वो हार को बहुत अच्छी तरह मजबूत करना है, इसलिए बहुत सारा कैल्शियम चाहिए। और कैल्शियम कैसे आएगा, वो ये खाने से आएगा। ये जो सादा तिल है, ये तिल जो खाजा है, और मार्केट में भी बहुत सारा मिलता है, किसी किसी स्टेट में जो मिल का खाजा होता है, तिल का जो खाजा होता है बिकता है, बहुत ही कम दामों में बिकता है, लेकिन वो बहुत शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहूँगा जो कैडबरी से आजकल सब एक्चुअली वो बिजनेस पर्पस में वो सब यूज़ करते हैं, नॉट फॉर योर, आप कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो आपके शरीर के अच्छे के लिए सोचे, कोई भी कंपनी, वो सब मनी अर्निंग, सब मनी को अर्निंग करना है, इसलिए वो सब बेच रहा है। कोई भी ऐसा कंपनी नहीं, कोई कंपनी का ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका शरीर का अच्छे के लिए करे। आपका शरीर अगर अच्छे हो तो आप कभी भी मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे, अगर मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे तो मेडिसिन वाला तो वो कंपनी को बंद कर देंगे। इसलिए वो कैडबरी सुपरीस मत खाइए। ये जो मैंने आपको दिखाया, आप अगर चाहो तो ये कैसे मैंने बनाया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखिए। ये मैंने बनाया, थोड़ा सा ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद क्या होता है देखिए, ये बहुत ही अच्छा है। देखिए ये नीचे की तरह देखिए, ये देखिए, ये जो आप खाएंगे ना, ये जो ठंडा होने के बाद इतना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, देखिए ये गर्म, थोड़ा सा गर्म है ये, जब मैंने ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद मैंने जब ये उठाया, देखिए ये जब और भी ठंडा हो जाएगा, देखिए इस जो हाथा में जो थे, देखिए ये थोड़ा सा आपको साउंड बहुत ही हार्ड हो गया, देखिए कुट कुट ऐसा साउंड आ रहा है, ऐसा साउंड आ रहा है। ये खाने में एकदम इतना अच्छा है, इतना अच्छा, यू कांट बिलीव, आपको कभी भी बिलीव ही नहीं होगा, इतना टेस्ट है, इतना अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इच्छा इतना अच्छा लगता है, आप पूछिएगा मत। मुझे पहले तो ये जब माँ ने, मैंने पहले जो नहीं जानते थे तब तो ये गुड़ से हम बनाते थे, गुड़ से उतना हार्ड नहीं होता था, उतना कुरकुरे जैसे नहीं होता था। जब मैंने मुझे सिखाया, मुझे कैडबरीज बहुत अच्छा लगता था, जब माँ ने मुझे सिखाया और जो ये खिलाया, एक बार मैं खाने के बाद इतना अच्छा टेस्ट हुआ। और जब माँ मेरे घर में आती थी तब ये बनाते थे, तो हम क्या करें, इतना समय के बाद मुझे बहुत खाने में अच्छा लगता था, घर में जाओ कैसे बनाओ, तो ये तो YouTube में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये तो बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। मैंने तो ऐसे ही कह दिया, मैंने तो बहुत ईजी से कह दिया, ईजी टू से दैट इट आई मेक इट विथ शुगर, जो रस है शुगर जूस,
शुगर जूस से मैंने ये बनाया, लेकिन ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट शुगर इसमें ऐड किया बस इसमें बना दिया, कच्चा है। और इसमें देखिए ये बहुत ही हार्ड वाला है, देखिए बहुत ही हार्ड हो गया और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट होगा। तो आप अगर चाहते हैं ये कैसे हम बनाएं, तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट के बाद आप मुझे अगर अच्छा लगा, मैं अगर 10,000 लाइक मैंने किया तभी मैं इसको आपके साथ पूरा मेरा जो सीक्रेट है सीक्रेट आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे चैनल को रन करने में आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे चैनल चलाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इंटरनेट बिल होता है, टाइम लगता है, कंप्यूटर डिप्रिसिएशन होता है, सब कुछ पैसा लगता है। इसलिए विदाउट योर सपोर्ट आई कैंट रन माई चैनल। सो 10,000 लाइक मुझे चाहिए, उसके बाद मैं ये सीक्रेट आपको बताऊंगा। ये बहुत ही कठिन है, ये जितना इजी से मैंने बताया करने में उतना कठिन है, और खाने में तो आप चिंता भी मत कीजिए, ये बहुत ही इतना अच्छा टेस्ट है, आप एक बार खाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। हाँ, इस चैनल में जो दिखाया जो दिखाता है बहुत ही टेस्टफुल होता है। आई सिंसियरली होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू सीक्रेट टिप्स। बाय बाय।